चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारत में आजादी के बाद फांसी। चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है आजादी के बाद पहली फांसी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है और आजादी के बाद जिस महिला को पहली बार फांसी दी जा रही है उसका अपराध क्या था और भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं फांसी को लेकर और दया याचिका को लेकर जो कि राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित एक लौते महिला फांसी घर में अमरोह की शबनम को फांसी दी जाएगी। अभी फांसी की तारीख तय नहीं है लेकिन यह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1947 में स्वतंत्र होने के बाद यह भारत में किसी महिला को दी जाने वाली पहली फांसी होगी। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि शबनम का अपराध क्या था। शबनम को यह सजा उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए दी जा रही है। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही कुल के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हत्या में शबनम के प्रेमी और शबनम दोनों ने मिलकर अपने घर के सदस्यों को यानी कि शबनम के घर के सदस्यों को रात में सोने से पहले नींद की गोलियां दी और जब वो सारे लोग सो गए तो कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या में शबनम के माता पिता, भाई बहन, भाभी और परिवार के अन्य सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद जब इस सारी प्रक्रिया का खुलासा हुआ यानी कि इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ, दोनों अपराधियों के पकड़े जाने के बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। अमरोह कोर्ट में 2 साल 3 महीने तक सुनवाई हुई और दोनों को जुलाई 2010 में फांसी की सजा दी गई। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। इसके बाद यह मामला राष्ट्रपति के पास गया और क्षमा याचिका की प्रार्थना की गई जहां भी इसे मान्य नहीं किया गया और उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद यह तय हो गया कि इन दोनों को ही यानी कि शबनम और सलीम को फांसी की सजा होगी। अब हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत में कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1947 के बाद से देश में अब तक कुल 61 लोगों को फांसी दी गई है। पिछले 16 साल में 1300 से अधिक लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें से सिर्फ धनंजय चटर्जी को 2004 में, अफजल गुरु को 2013 में, 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को 2012 में और याकूब मेनन को 2015 में फांसी दी गई थी। इसके अलावा निर्भया के दोषियों को पिछले साल ही फांसी की सजा दी गई है। दया याचिका पर नियम, प्रक्रिया और इतिहास क्या है अब हम देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है और ये सारे कार्य राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के सिफारिश पर करता है, यानी कि गृह मंत्रालय का जो मत होता है उसके अनुसार राष्ट्रपति का फैसला होता है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो दया याचिका का मामला या कार्रवाई गृह मंत्रालय से शुरू होता है। गृह मंत्रालय के पास जब कोई दया याचिका आती है तो वो अपना पक्ष लिखित में लिखकर राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति उसी लिखित पक्ष के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। यही कार्य राज्यपाल के संदर्भ में भी होता है। जब राज्यपाल के पास कोई दया याचिका आती है तो राज्यपाल उसे गृह मंत्रालय को भेजता है और आगे फिर वो राष्ट्रपति के पास लिखित पक्ष के रूप में पहुंचती है। दया याचिका के मामले में अगर देखा जाए तो ये देखा गया है कि इसके लिए कोई फिक्स टाइम या समय सीमा नहीं है। बहुत सारे लंबित मामले ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं लेकिन आज तक लंबित पड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक समीकरणों के आरोप भी लगते रहे हैं दया याचिका के संबंध पर सरकार पर भी और राष्ट्रपति पर भी, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति दया याचिका का फैसला गृह मंत्रालय के पक्ष के आधार पर ही करता है। अब हम आते हैं
राष्ट्रपति की क्षमा याचिका के प्रकार पर। ये मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है क्षमा यानी कि पार्डन। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि किसी के दंड को क्षमा कर देना, यानी कि उसे जो सजा दी गई है या फिर उसे जो पेनल्टी भरने के लिए कहा गया है उसे खत्म कर देना। जैसे कि किसी इंसान को ए नाम की सजा दी गई और उसे बिल्कुल ही समाप्त कर देना, ये क्षमा हो जाता है। दूसरा आता है लघुकरण। लघुकरण में ये होता है कि किसी की सजा को बदल देना, उसके स्वरूप को बदल देना। जैसे कि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को कठोर कारावास, साधारण कारावास या फिर आजीवन कारावास के रूप में बदल देना। जैसे कि किसी इंसान को ए सजा मिली है और उसके स्वरूप को बदल कर उसको बी से नाम से सजा दे देना, इसके स्वरूप को ही बदल देना, इसका लघुकरण कर देना, ये आता है इसमें। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है परिहार। इसका अर्थ होता है दंड की प्रकृति को बदल देना। यानी कि किसी को 5 साल की सजा मिली है और 5 को कम करके 4 या 3 में परिवर्तित कर देना, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए किसी को ए सजा मिली है और उसको बदल कर हम A1 या फिर A2 कर देते हैं तो उसको हम परिहार कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है विराम, जिसमें दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि उसको बदल दिया जाता है। जैसे कि किसी को सजा होती है, मान लीजिए मौत की, फांसी की सजा होती है और शारीरिक अपंगता या महिलाओं के गर्भावस्था की अवस्थिति के कारण उस सजा को या तो रोक दिया जाता है या उसको चेंज कर दिया जाता है, ये आता है विराम में, ब्रेक में। 35वें नंबर पर आता है प्रतिलंबन। इसका अर्थ होता है किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। मान लीजिए कि वो दया याचिका काफ़ी सालों से लंबित पड़ी हुई है राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दिया हुआ है, तो ऐसे में उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है, तो ये आता है प्रतिलंबन में। इसके साथ ही इस टॉपिक पर हमारे जो महत्वपूर्ण पहलू थे सब पर हमने विचार किया। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति दया याचिका से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। कथन दो, राष्ट्रपति यह निर्णय अपने विवेक पर लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का यह निर्णय विवेक पर आधारित होता है। उपरोक्त में से असत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर है भारत। प्रश्न था, डिजिटल कोरोना पासपोर्ट की घोषणा निम्न में से किस देश ने नहीं की है, तो इसकी घोषणा भारत ने नहीं की है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।